नमस्ते। आज का हमारा सूरदास पाठ जो है, इसमें सूरदास के द्वारा रचित सूर सागर में संकलित भ्रमर गीत से लिए गए चार पद हैं, जो गोपियों के विरह को बताते हैं। विरह यानी बिछुड़ना। मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण ने गोपियों को कोई संदेश नहीं भेजा था और ना ही स्वयं वहाँ गए थे, जिस कारण गोपियों की विरह पीड़ा बढ़ गई थी। और श्री कृष्ण ने ज्ञान मार्ग पर चलने वाले उद्धव को ब्रज क्षेत्र में भेजा, जिससे गोपियों को समझाया जा सके और उनकी विरह पीड़ा को कुछ कम किया जा सके। उद्धव जी जब संदेश लेकर के आते हैं श्री कृष्ण भगवान का, तब गोपियाँ उन्हें उल्हाना देती हैं। उल्हाना देते हुए वह कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति भड़वाघी, कि हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। भाग्यशाली क्यों कहती हैं? अपरस रहत स्नेह तगातई। अपरस यानी अछूते, रहत स्नेह तगाते यानी स्नेह के धागे से, कि तुम कृष्ण के पास रहते हो फिर भी उनके धागे से मुक्त हो, उनके प्रेम के बंधन से मुक्त हो। नाहीन मन अनुरागी। नाहीन मन अनुरागी यानी आपके मन में कोई भी अनुराग नहीं आता है, आपके मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? जैसे पुर इन पात रहत जल भीतर, कि कमल का पत्ता जैसे जल में रहता है। पुर इन पात यानी कमल का पत्ता, जल भीतर यानी पानी में रहता है। तारस देह न दागी, फिर भी उस पर पानी का निशान नहीं होता है। ज्यों जल माह तेल की गागरी। तुम पर प्रेम का असर कैसे नहीं होता है? किस प्रकार से उसकी तुलना की है? उद्धव की गागरी से तुलना की है। जैसे तेल की गगरी होती है, अगर किसी मटकी पर तेल लगा दिया जाए और उस पर पानी डालेंगे तो उस पर एक भी बूंद ठहरेगी नहीं, उसी प्रकार वो उद्धव जी को कह रही हैं कि तुम तो तेल की गगरी के समान हो, जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगती है। बूंद न ताको लागी यानी जिस पर बूंद भी नहीं लगती है। प्रीति नदी में पाऊं न बोर्यो। प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी, पाऊं यानी पैर, बोर्यो यानी डुबाया, कि तुमने तो कभी भी उस प्रेम की नदी में अपने आप को डुबाया ही नहीं, तुम तो ऊपर ऊपर तैरते रहे, यानी कृष्ण के पास रहकर भी तुम कभी भी उसके प्रेम में लिप्त नहीं हुए। दृष्टि न रूप परागी, कि तुम तो कभी भी उस पर मुग्ध भी नहीं हुए। फिर कहती हैं सूरदास अबला हम भौरी, गुर चीटी ज्यो पागी, कि हम ही ऐसी पागल थी जो चीटी की तरह, जैसे गुड़ पर चीटी लिपट जाती है, उसी प्रकार से हम कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं, और यही कारण है कि हम भोली भाली अबलाएं हैं जो कृष्णा के प्रेम में उलझ गई थी। यानी कि इस भाव से वो गोपियां जो हैं उद्धव की प्रेमहीनता का मजाक उड़ाती हैं, और गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को भी इसमें बताया है और उसे अति बड़भागी कहा है उद्धव को, कि तुम तो, यहाँ पर वो व्यंग्य करते हुए अति बड़भागी कह रही हैं कि तुम तो भगवान के पास भी थे फिर भी उनके प्रेम में नहीं उलझे। दूसरे पद में वो कहती हैं मन की मन ही मांझ रही, कि हमारे मन में जो बात थी कि कृष्ण आएंगे तो हम उन्हें बताएंगे कि हमने उनके पीछे से क्या क्या कष्ट झेले, कही जाई कौन पाई दो नाही परत कही, कि हम जो सारे कष्ट झेले थे अब उनके द्वारा हमें त्याग दिया गया है,
पर हम अपनी ऐसे ने जो पीड़ा हमने उनके पीछे से सही है वह पीड़ा किसको जा करके बताएं कि हमसे कही तो नहीं जा रही है अपनी पीड़ा, लेकिन ना ही परत कही, लेकिन कहनी पड़ेगी। अवधि आधार आस आवन की, अभी तक तो हमें लग रहा था कि वो आएंगे, उनके आने की आशा थी। तन मन व्यथा सही, और हमने उनके पीछे से क्या क्या व्यथाएं सही हैं वो हम उन्हें बताना चाहती थी। अब इन जोग संदेशा ही सुनी सुनी, लेकिन तुम जो संदेशा लेकर के आए हो ये सुन सुन कर तो विरहनी विरह दही, हमारी पीड़ा और भी बढ़ती जा रही है। विरही यानी जो वियोगिनी नारी होती है उसकी बात यहाँ पर की गई है कि हम तो और भी परेशान हो गए हैं और विरह की आग में जल रही हैं। अब इन जोग संदेश ही सुनी सुनी, यानी हमें अभी जोग के संदेश सुना सुना करके आप हमारी इस पीड़ा को और भी बढ़ा रहे हो। चाहती होती गुहार जितही ते उतते धार पही, जितही ते यानी जहाँ से, चाहती होती यानी हम चाहती थी रक्षा के लिए पुकारना, लेकिन हम ये सोचते थे कि हम तो वहाँ से ही रक्षा की पुकार करेंगे, लेकिन वहाँ से तो उल्टा तुम संदेशा लेकर के आ रहे हो, यानी अब हमारी आशा खत्म हो गई है कि हम अपने दुख किसको बताएंगे। सूर्यदास अब धीरे धरा ही क्यों मर ज्यादा न लही, कहते हैं कि हे सूर्यदास हे उद्धव तुम ही बताओ कि अब हम धैर्य कैसे धारण करें। श्री कृष्ण के लिए हमने अपनी सारी मर्यादाओं को त्याग दिया था। मर्यादा न लही यानी हमने कोई मर्यादा ही नहीं रखी थी, अपनी प्रतिष्ठा ही नहीं रखी थी, अब तुम ही बताओ हम कैसे धैर्य को धारण कर सकती हैं। यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, आपको मैंने बता दिया, वो अपने हृदय की पीड़ा श्री कृष्ण को सुनाना चाहती थी, लेकिन निर्गुण ज्ञान का संदेश लेकर के उद्धव जी जब आए थे तो उनकी जो आने पर जो अपना दुख व्यक्त करने की सारी भावनाएं अब खत्म हो गई थी, और गोपियाँ श्री कृष्ण और अपने प्रति उनके प्रेम को अपनी मर्यादा समझती थी। गोपियों के लिए भी श्री कृष्ण का प्रेम प्रिय है, योग का संदेश उन्हें अच्छा नहीं लगता है। फिर कहती हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि यानी श्री कृष्ण, हारिल की लकड़ी एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में कोई ना कोई लकड़ी का टुकड़ा हमेशा पकड़े रहता है, तो कहते हैं कि हमारे लिए तो भगवान हमारी हारिल की लकड़ी की तरह थे, यानी हमें एक सहारा थे, लेकिन वो सहारा भी नहीं है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, हम अपने मन से क्रम से वचन से तो श्री कृष्ण के लकड़ी को हमेशा पकड़े रहती थी, यानी उन्हें हमेशा ध्यान में रखती थी, हमेशा पकड़े रहती हैं। काने काने जकरी, हमेशा हम कन्हैया कन्हैया रटती रहती हैं, जकरी यानी रटना। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करोई ककरी, तुम जो योग का संदेशा लेकर के आए हो वह तो हमें इस प्रकार से कड़वा लग रहा है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हमने खा ली हो। सू तो व्याधि हम कौन ले आए,